गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, कैसे चल रहा है आपका? सर बहुत ठीक है सर, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह वाह, ओके। देखो अभी ये बच्चा बोल रहा है छोटा, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। सो बच्चों को शुरू में ये वाक्य रिपीटेडली बोलने के लिए कहिए, तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि उनकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी और करने को वो ऑटोमेटिकली बैठेंगे। ठीक है, और आज क्या क्या कर लेते हो बेटा आप, क्या क्या आता है? बोला कलर सर, कलर वगैरह सब पहचान लेता हूँ। ओके, रीडिंग आ रहा है अभी? रीडिंग कर पाते हो? यस वेरी गुड वेरी गुड, चलिए इनके लिए क्लैप बजाइए। वेरी नाइस नाइस, चलो वेरी गुड बेटा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस फिर से देख शुरू करो। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, जो बच्चों को आ गया है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आता है थोड़ा सा भूल जाता, यानी कुछ चीजें दिखती है कुछ चीजें मिस हो जाती है, तो वीडियो को हम फिर से देखेंगे। सभी के लिए कंपलसरी है कि हमेशा ये चीजें याद रखो कि जब शुरू में हम जो प्रोसेस कर रहे थे तो इतना हम एक्सपर्ट नहीं थे, जैसे कि ब्रेन जिम हमें नहीं आती थी, या फिर सोम के मेडिटेशन में जो ब्रीदिंग है वो हम नए थे उस समय पे, हमें पता नहीं था। लेकिन जब हमें पूरा 30 डेज का भी पता चल गया ना, जब हम देखेंगे फिर से तो हमें और अच्छे से आ जाएगा, और अच्छे से आएगा। तो एक रिपीटेशन बनता है, ये वीडियो को देखने के बाद जो है हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे पूरे सेशंस को, और उसके बाद 2 महीने हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद हम 15 मिनट का मेडिटेशन वो सभी चीजें करेंगे।